इंग्लिश टेंथ क्लास एम सी क्यूज ऑब्जेक्टिवर कंप्लीट नाइनटीन मार्क्स लेक्चर नंबर थर्टीन ये तमाम एम सी क्यूज पहले भी बोर्ड के पेपर्स में आ चुके हैं और आपके पेपर में रीअपियर हो सकते हैं इसलिए इस वीडियो को मुकम्मल देखें और तमाम ऑप्शन को अच्छे से याद कर लें चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फाइव मार्क्स इस सेक्शन में आज हम बोर्ड्स के गुजता पेपर्स में आए हुए ऐसे लंबे फिक्रों की बात करेंगे जिसके दो हिस्से या दो क्लोजेज होती हैं एक हिस्से में फास्ट परफेक्ट टेंस, जबकि दूसरे हिस्से में फास्ट इनडेफिनेट टेंस इस्तेमाल होगा याद रखिए कि इंग्लिश फिक्रों में फास्ट परफेक्ट टेंस में हैड के बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म आती है जबकि फास्ट इनडेफिनेट टेंस में वर्ब की दूसरी फॉर्म आई होती है इन फिक्रों का स्ट्रक्चर क्या होगा ये एक लंबा फिक्रा होगा जिसके एक हिस्से में हैड के बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म आई होगी जबकि दूसरे हिस्से में वर्ब की दूसरी फॉर्म आई होगी और याद रखिए कि इस फिक्रे में तरतीब आगे पीछे भी हो सकती है यानी सेकंड फॉर्म वाला फिक्रे का हिस्सा पहले भी आ सकता है या बाद में भी आ सकता है लेकिन तरतीब बदलने से फिक्रे के तर्जमे पर फर्क नहीं पड़ता ऐसे फिक्रों में दो काम होने का जिक्र होता है माजी में एक काम मुकम्मल हो चुका होता है जब दूसरा काम होता है मसलन अमजद हैड रिटर्न द लेटर वेन आई फाउंड हिम अमजद ने खत लिख लिया था जब मैंने उसको फोन किया जैसा कि फिक्र से ज़ाहिर है कि खत लिखने का काम पहले मुकम्मल हो चुका था जब दूसरा काम यानी फोन करने का काम हुआ उम्मीद है कि आपको स्ट्रक्चर की समझ आ गई होगी सो लेट्स स्टार्ट ऑप्शन नंबर वन आई हैड लेफ्ट द हाउस बिफोर इट डैश रेनिंग अब ये लंबा फिक्र है इसके दो हिस्से हैं आई हैड लेफ्ट द हाउस ये एक हिस्सा है जबकि बिफोर इट डैश रेनिंग ये दूसरा हिस्सा है जैसा कि नजर आ रहा है कि फिक्रे के एक हिस्से में हैड के बाद तीसरी फॉर्म लेफ्ट आ चुकी है लिहाजा फार्मूले के तहत अब दूसरी तरफ वर्ब की दूसरी फॉर्म आएगी अब इन चारों ऑप्शन में से सेकेंड फॉर्म है स्टार्टेड तो हम यहां पर इस खाली जगह में डी वाला ऑप्शन लगाएंगे स्टार्टेड आई हैड लेफ्ट द हाउस मैं घर से जा चुका था यानी यह काम मुकम्मल हो चुका था बिफोर इट स्टार्टेड रेनिंग इससे पहले कि बारिश शुरू हुई याद रखिए बारिश शुरू होने का काम बाद में हुआ जबकि घर से जाने का काम पहले हो चुका था ऑप्शन नंबर टू दुक द्रैकफस्ट आफ्टर द डैश दैर हैंड्स अब ये भी एक लंबा फिक्र है जिसके दो हिस्से हैं पहला हिस्सा दया टुक दैर ब्रेकफस्ट है जबकि दूसरा हिस्सा आफ्टर से शुरू होकर हैंड्स पर ख़त्म होता है अब इस फिक्रे के एक हिस्से में सेकंड फॉर्म ठुक आ चुकी है जबकि फार्मूले के, के तहत फिक्रे के दूसरी जानब हैर प्लस थर्ड फॉर्म ब्लैंक में लगेगी चुनाचे तो यहां पर सी वाला ऑप्शन हैड प्लस थर्ड फॉर्म हम इस खाली जगह में लगाएंगे दुक ब्रेकफास्ट आफ्टर द हैड वॉश्ड दर हैंड्स अपने हाथों को धो लेने के बाद उन्होंने नाश्ता किया यहां पर हाथ धोने का काम पहले हुआ है ऑप्शन नंबर थ्री डैश दायर मील्स बिफोर द गेस्ट्स अराइव्ड इस लंबे फिक्रे में एक हिस्से में वर्ब की सेकंड फॉर्म आ चुकी है लिहाजा दूसरी तरफ हम हैड के बाद तीसरी फॉर्म लगाएंगे ए वाला ऑप्शन दे हैड मील्स वो खाना खा चुके थे बिफोर द गेस्ट अराइव्ड मेहमानों के पहुंचने से पहले तो खाना खाने का काम यहां पर पहले मुकम्मल हो चुका था जब दूसरा काम यानी मेहमानों के आने का काम हुआ ऑप्शन नंबर फोर शी डैश बिफोर द पार्टी बेगैन अब इस लंबे फिक्रे में हमें एक हिस्से में सेकंड फॉर्म नजर आ रही है जबकि दूसरी तरफ हैड प्लस थर्ड फॉर्म मिसिंग है चुनाचे हम बी वाला ऑप्शन यहां पर लगाएंगे शी हैड लेफ्ट वो जा चुकी थी बिफोर द पार्टी बेगैन पार्टी के शुरू होने से पहले ऑप्शन नंबर फाइव द डैश रीडिंग वन द बेल रैंक यहाँ पर इस लंबे फिक्रे में एक हिस्से में सेकेंड फॉर्म आ चुकी है दूसरी तरफ हम हैड के बाद थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो डी वाला ऑप्शन हमारा जवाब होगा दै फिनिश्ड रीडिंग वो पढ़ने का काम मुकम्मल कर चुके थे या ख़त्म कर चुके थे वन द बेल रैंक जब गंटी बजी चूज द वर्ड विद करेक्ट स्पैलिंग्स फोर मार्क्स इस सेक्शन में हर ऑप्शन के साथ दिए गए चार अल्फाज में से एक लफ्स के स्पेलिंग्स दुरुस्त हैं वो ऑप्शन ढूँढें ऑप्शन नंबर सिक्स यहाँ पर दुरुस्त वाला वर्ड होगा टेक्नोलॉजी और उसके दुरुस्त स्पेलिंग्स ऑप्शन ए में हैं टी ई सी एच एन ओ एल ओ जी वाई टेक्नोलॉजी ऑप्शन नंबर सेवन ये करेक्ट वर्ड होगा रेपिटेशन और करेक्ट स्पेलिंग्स हैं यहां पर ए वाले आर ई पी ई थी आई थी आई ओ एन रेपिटेशन मतलब होता है दोहराई हमारा जवाब होगा ए वाला ऑप्शन जबकि बाकी तीन वर्ड्स में स्पेलिंग्स करेक्ट नहीं है ऑप्शन नंबर एट यहां पर दुरुस्त वर्ड होगा सेंटेंस्ड एंड द वर्ड विद द करेक्ट स्पेलिंग्स इज ऑप्शन नंबर सी एस ई एन टी ई एन सी ई डी सेंटेंस्ड सो वी विल चूज ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर नाइन द करेक्ट वर्ड इज डिस्प्यूट लड़ाई को कहते हैं और बी वाले ऑप्शन में वर्ड डिस्प्यूट के स्पेलिंग्स करेक्ट हैं D I S P U T E, डिस्प्यूट सो सेलेक्ट ऑप्शन नंबर बी चूज द करेक्ट ऑप्शन Five मार्क्स हर ऑप्शन में दी गई हदायत के मुताबिक दुरुस्त जवाब तलाश करें ऑप्शन नंबर टेन द वर्ड लक्षरी मीन्स इस लफ्स लक्षरी के क्या मानी हैं इसका क्या मतलब है लक्शरी का मतलब होता है सहूलत आराम यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन ट्रबल मुश्किल डिलाइट खुशी रीडिंग पढ़ाई हेल्प मदद लिहाजा लक्षरी का नज़दीक तीन मीनिंग डिलाइट होगा क्योंकि जब हमें आराम सुकून सहूलत हासिल होती है तो हमें खुशी होती है सो वी विल चूज़ ऑप्शन नंबर बी डी द वर्ड लक्षरी मीन डिलाइट ऑप्शन नंबर 11 दिननेम ऑफ इज सेंेनम का मानी होता है मुतराफ या हम मानी मेयरली तो हम चार ऑप्शन के मानी देखते हैं मेडली पागलपन से ओनली सिर्फ क्लियरली वाज तौर पर मॉकिंगली मजाही अंदाज में लिहाजा इन चारों ऑप्शन में से दिए गए लफ्ज़ मेयरली का नज़दीक तीन मानी होगा ओनली सिर्फ सो बीविल चूज ऑप्शन बी ऑप्शन नंबर ट्वेल्व रेसिपियंट मीन्स रेसिपियंट का मतलब होता है जो वसूल करने वाला होता है दिए गए चारों ऑप्शन में से रिपियंट का नजदीक तरीन मानी है रिसीवर वसूल करने वाला रेसिपियंट मीन्स रिसीवर सोबीविल चूज ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर थर्टीन विच वर्ड मीन्स टू आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ अ प्रॉब्लम स्पेशली एन इलनेस। दिए गए चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो किसी प्रॉब्लम ख़ास तौर पे किसी बीमारी की नेचर को आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल होता है सी वाला ऑप्शन है जी डायग्नोज डॉक्टर्स बीमारी को डायग्नोज करते हैं ढूंढते हैं तो यहाँ पर हमारा करेक्ट वाला ऑप्शन होगा डायग्नोज़ किसी बीमारी को ढूंढने की कोशिश करना ऑप्शन नंबर फोर्टीन फर्स्ट एड नॉलेज रेंजेस फ्रॉम टेकिंग केयर ऑफ कट्स टू डील विद एन अनकॉन्शियस विक्टम इब्तदाई तबी मदद अहाता करती है छोटे छोटे ज़ख्मों से लेकर एक बेहोश मरीज तक को डील किया जाए उनकी निगहदाश्त की जाए द अंडर लाइंड वर्ड मीन्स यहाँ पर अंडर लाइंड वर्ड है विक्टम तो विक्टम का मानी क्या है इन चारों ऑप्शन में से विक्टम का मानी होगा सफरर जो तकलीफ में होता है मरीज जबकि सप्रेसर का मतलब होता है जो दूसरों को दूसरों पे दबाव डालता है दूसरों के हकूक को गसअप करता है हेल्पर का मतलब होता है मददगार पार्टनर का होता है हिस्सादार तो विक्टम का नज़दीक तीन मानी यहां पर सफर है ऐसा बंदा जो तकलीफ में हो मरीज मुसीबत में मुबला चूज द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द ग्रामर फाइव मार्क्स इंग्लिश ग्रामर को जहन में रखकर कर हमने करेक्ट वाला ऑप्शन ढूंढना है ऑप्शन नंबर फिफ्टीन डैश इट वॉज हॉट गर्मी थी ही वॉज वेरिंग आ coat और उसने कोट पहना हुआ था आप फर्ज करें यहाँ पर हम फर्स्ट वाला ऑप्शन लगाते हैं when वेन इट वॉज हॉट जब गर्मी का मौसम था या गर्मी थी ही वॉज wearing आ coat, उसने कोट पहना हुआ था सारी बात है गर्मियों में तो कोट पहना नहीं जाता लिहाजा ये वाला ऑप्शन नहीं लगेगा सिंस इट वॉज हॉट सिंस का मानी यहाँ पे होगा क्योंकि क्योंकि गर्मी का मौसम था ही वॉज wearing आ coat, उसने कोट पहना हुआ था ये भी नहीं लगेगा क्योंकि तो गर्मी के मौसम में कोट पहना ही नहीं जाता सी वाला ऑप्शन है ओल दाओ इट वॉज हॉट अगरचे के या हालांकि गर्मी का मौसम था ही वॉज वेयरिंग आ कोट उसने कोट पहना हुआ था ये वाला सूटेबल है यहाँ पर अगरचे के गर्मी का मौसम था अगरचे यहाँ पे लगाने का मकसद ये है कि गर्मी के मौसम में ऐसा एक्सपेक्टेड या मतव नहीं होता हालांकि गर्मी थी फिर भी उसने कोट पहना हुआ था और डी वाला ऑप्शन देन इट वॉज हॉट तब गर्मी थी ही वॉज वेयरिंग आक कोट उसने कोट पहना हुआ था लिहाजा हमारा यहाँ पे बेहतरीन ऑप्शन होगा ओल दाओ ओल इट वॉज हॉट हालांकि गर्मी का मौसम था ही वॉज़ वरिंग कोट उसने कोट पहना हुआ था ऑप्शन नंबर सिक्सटीन कीप द बॉल्स इन दैट बास्केट। तमाम बॉल्स को उस टोकरी में रखें द अंडर लाइंड वर्ड्स आर ये जो दोनों अंडर लाइन वर्ड्स हैं बॉल्स और बास्केट ये क्या हैं कंक्रीट नाउ्स हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउ्स हैं रिफ्लेक्सिव नाउन्स हैं या प्रॉपर नाउन्स हैं सबसे पहले देखते हैं कंक्रीट नाउन्स कौन से होते हैं ऐसे नाउन्स जिनको हम पकड़ सकते हैं या देख सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स ऐसे नाउन्स जिनको हम ना तो पकड़ सकते हैं और ना ही देख सकते हैं रिफ्लेक्सिव नाउन्स रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन्स होते हैं नाउन्स नहीं होते लिहाजा ये तो एंट्री ही गलत है डीवल ऑप्शन प्रॉपर नाउन्स इसमें माफ को बोला जाता है प्रॉपर नाउन् किसी ख़ास चीज़ शख्स या जगह के नाम को कहते हैं अब यहाँ पर बॉल्स और बास्केट कंक्रीट नाउस हैं क्योंकि ये ख़ास भी नहीं हैं और ना ही ये ऐसे हैं जिनको हम देख नहीं सकते तो ये इस कैटेगरी में फॉल करते हैं कि ये ऐसे नाउन्स हैं बॉल्स और बास्केट, जिनको हम पकड़ भी सकते हैं और देख भी सकते हैं लिहाजा हम ए वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे कंक्रीट ऑप्शन नंबर सेवनटीन You dash find Lubna in the garden, वट I doubt it. Doubt it का मतलब होता है मुझे शक है यानी यानी मुझे यकीन नहीं है अब देखिए ऑप्शन हमारे पास हैं माइट ये वहाँ पर लगाते हैं जहाँ कोई काम होने की तो बहुत कम होती है खैन काम करने की काबिलियत या सलाहियत के लिए इस्तेमाल होता है मस्ट ये लफ्ज़ वहाँ इस्तेमाल होता है जहाँ ज़रूर कोई काम किया जाना हो और वेल यह वहाँ पर इस्तेमाल होता है जहां यकीन हो कि कोई काम होगा अब यहाँ पे क्योंकि वो कह रहा है कि आई डाउट इट मुझे यकीन नहीं है मतलब यह काम होने की तो बहुत कम है लिहाजा यहाँ पर माइट का ऑप्शन सूट करता है यू माइट फाइंड लुबना इन द गार्डन हो सकता है या इसका अमकान है कि लुबना तुमको बाग में मिल जाए बट आई डाउट इट लेकर मुझे यकीन नहीं है कि ऐसा हो यानी लुबना वहाँ पर मिल जाए तो लिहाजा ए वाला ऑप्शन यहां पे लगाया जाएगा माइट। ऑप्शन नंबर एटीन शीक्स प्राइड आर वर्क यहां पर प्राइड एज ए नॉन इस्तेमाल हुआ है और जब भी प्राइड एज ए नॉन इस्तेमाल होगा उसके बाद प्रेपोजिशन इन आती है शी ठेक्स प्राइड इन हर वर्क उसको अपने काम में फखर है सो so, विल चूज ऑप्शन नंबर डी इन ऑप्शन नंबर नाइनटीन यू मे गव होम आप घर जा सकते हैं एज सुन एज यूर वर्क इज डन जू ही आपका काम खत्म हो अब यहां पर यह लंबे फिक्रे की दो क्रोजेज हैं या दो हिस्से हैं यू मे गव होम और एज सोन एज योअर वर्क इज डन अब यहां पर ये वाला जो पार्ट है यू मे गव होम इसको अगर हम इस लंबे फिक्रे से आलदा भी कर दें तो इसके मानी मुकम्मल हैं लेकिन अगर हम दूसरे वाले हिस्से यानी एज सून एज योर वर्क इज़ डन इसको अलहदा करते हैं फकर्रे से तो इसके मुकम्मल मानी नहीं बनते जो ही तुम्हारा काम ख़त्म हो तो सवाल यहाँ पर यह है कि ये सारा लंबा सेंटेंस कौन सा है सिंपल सेंटेंस है कंपाउंड सेंटेंस है कंप्लेक्स सेंटेंस है या कंडीशनल सेंटेंस है याद रखिए सिंपल सेंटेंस में एक ही वर्ब होता है और ये वाला सेंटेंस इंडिपेंडेंट होता है जबकि हमारे दिए गए सेंटेंस के दो हिस्से हैं यानी दो क्रोजेज हैं जबकि सिंपल सेंटेंस में एक क्रोज होती है लिहाजा ए वाला ऑप्शन तो नहीं हो सकता अब हम डी वाला ऑप्शन देखते हैं कंडीशनल सेंटेंस कंडीशनल सेंटेंस इफ़ के वर्ड से शुरू होते हैं अब देखिए इस लंबे फकरे में दोनों जानब इफ का वर्ड नहीं है लिहाजा ये कंडीशनल सेंटेंस भी नहीं है बाकी ऑप्शन बचे बी और सी उनका हम देखते हैं इन कम्पाउंड सेंटेंसेज टू इंडिपेंडेंट सेंटेंसेज आर जॉइंट बाई अ कॉमा अ सेमिकोलन और कोआर्डीनेटिंग कंजंक्शंस कम्पाउंड सेंडेंसेज ऐसे होते हैं जिसमें दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेज होते हैं यानी अगर दोनों को फ़िक्रे से अलहदा कर दिया जाए तो दोनों सेंडेंसेज अलीह भी एग्जिस्ट करते हैं और दोनों बामानी होते हैं और इन दोनों इनडिपेंडेंट क्लोजेज या बानी फकर्रों को जोड़ा हुआ होता है एक लंबे सेंटेंस में उनके दरमियान या तो कामा होता है या फिर सेमिकोलन होता है सेमिकोलोन क्या होता है कि ऊपर फुल स्टॉप और नीचे कॉमा या फिर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन उनमें आए होते हैं और याद रखिए कि कोऑर्डिनेटिंग कन्जंक्शन इंग्लिश में ये सात हैं फो एंड नो बट ओ यट सौ अब देखिए ये जो हमारा फिक्र दिया हुआ है इसमें ना तो कॉमा है ना ही सेमीकोलन है और ना ही कोऑर्डिनेटिंग कन्जंक्शन है यहाँ पे तो लिहाजा ये कंपाउंड सेंडेंस भी नहीं है क्योंकि यह कंपाउंड सेंटेंस की तारीफ पे पूरा नहीं उतरता अब है अत्याजी सी वाले ऑप्शन की इन कंप्लेक्स सेंटेंसेस वन और मोर डिपेंडेंट क्लोज या क्लोजेज एंड वन इंडिपेंडेंट क्लोज आ विद अ सबआडिनेटिंग कंजंक्शन कम्प्लेक्स सेंटेंस में कम से कम एक इंडिपेंडेंट क्लोज होती है यानी जिसको फिक्रे से लादा करके जो पूरी बामानी रहती है जैसा कि यू में गो होम बामानी है ये इसको अलहदा किया जाए अगर तो लिहाजा ये इंडिपेंडेंट क्लोज हो गई और इंडिपेंडेंट क्लोज के अलावा एक या ज़्यादा डिपेंडेंट क्लोजेज होती हैं अब यहाँ पे ये जो क्लोज है एज सुन एज योर वर्क इज़ डन ये एक क्लोज है और ये डिपेंडेंट क्लोज है और एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट क्लोज को जोड़ा गया होता है किससे वेदा विद सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन सबॉर्डीनेटिंग कंजंक्शन से अब इंग्लिश में पहले हमने पढ़े थे कोऑर्डिनेटिंग कन्जंक्शन ये सात थे जबकि सबऑर्डिनेटिंग कन्जंक्शन इस तरह के वर्ड्स होते हैं इनकी लिस्ट बहुत लंबी है थोड़े से यहाँ पे दिए गए हैं जैसे कि then, rather than until बिकॉज as soon एज unless that which etc ये लिस्ट बहुत लंबी है अब क्योंकि ये वाला फिक्रा कंप्लेक्स सेंटेंस की तारीफ पे पूरा उतरता है यानी इसमें एक क्लोज इनडिपेंडेंट है एक रोज़ डिपेंडेंट है और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से इस, इस लंबे फिक्रे के दो हिस्सों को जोड़ा गया है तो लिहाजा ये हमारा सेंटेंस होगा कंप्लेक्स सेंटेंस एंड वी विल चूज ऑप्शन नंबर सी